हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एलमाइटी लीगल सर्विस। आज हम बात करेंगे नोटा के ऊपर। नोटा क्या है, इसके क्या इफेक्ट्स हैं और इस पर वोट करने से हमें क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर योर सपोर्ट, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फ्रेंड्स, आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें फॉर योर सपोर्ट। वेल फ्रेंड्स, पहले चुनाव बैलेट पेपर पर होते थे, ये सबको पता है कि पहले चुनाव ईवीएम के थ्रू नहीं होते थे, बैलेट पेपर के थ्रू किए जाते थे। 2004 में ईवीएम ने इसका स्थान ले लिया। वैसे तो ईवीएम 1982 में यानी 1982 में ही आ गया था, जो केरल के नॉर्थ पारावुर की विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुआ था, पर पूरी तौर पर 2004 में इसे यूज किया जाने लगा। इससे पहले नोटा का कोई बटन इसमें नहीं था, पर 2013 में नोटा का बटन इसमें डाला गया, जिसका फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एव, यानी ऊपर दिए गए कैंडिडेट में से कोई नहीं। मतलब अगर आप नोटा को वोट करते हैं तो आप वोट किसी को नहीं करते हैं, यानी आपका वोट किसी भी कैंडिडेट को नहीं जाता है। इसके फायदे और नुकसान की बात की जाए तो किसी कैंडिडेट को कोई फायदा नहीं है इससे, और ना ही कोई नुकसान होता है। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि देश वाई गुरु जी ने कहा है, अगर वोट 99 किसी भी चुनाव में अगर 99 वोट नोटा को जाते हैं और एक वोट किसी पार्टी को जाती है, तो वो एक वोट प्राप्त करने वाला कैंडिडेट या पार्टी विजेता होगा। यानी नोटा की वैल्यू 2018 तक इनवैलिड थी, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। मतलब नोटा के जो वोट होते थे वो इनवैलिड वोट काउंट किए जाते थे। पर 2018 में हरियाणा के नगर निगम चुनाव में नोटा को वैल्यू की गई है, जो वैल्यू इस प्रकार है कि हरियाणा चुनाव आयोग ने यह लागू किया था कि नोटा के जो वोट होंगे अगर वो ज्यादा होने पर, मतलब नोटा के वोट ज्यादा होने पर, यानी हर पार्टी से ज्यादा अगर नोटा को वोट मिलते हैं तो ऐसे में चुनाव कैंसिल हो जाएगा और फिर से चुनाव होगा। और अगर दोबारा भी यही रहा, यानी कि नोटा इसमें भी नोटा की जीत हो गई, तो इस बार दोबारा चुनाव जब होंगे नोटा की वजह से जो दोबारा चुनाव हुए हैं उसमें नोटा के बाद जो भी कैंडिडेट आएगा उसको, उस पार्टी को, उस कैंडिडेट को विनर माना जाएगा, यानी उसको विजय घोषित कर दिया जाएगा। ओवरऑल अगर कहा जाए तो नोटा के वोट की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम नोटा को वोट करते हैं तो एक बार अगर हरियाणा की जो पॉलिसी है अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया पे फॉलो की जाती है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इसे फॉलो करेगी, तो क्या होगा, एक बार नोटा की अगर वोट को काउंट भी करके अगर एक बार कैंसिल कर दिया जाएगा चुनाव, तो दूसरी बार चुनाव में जो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा, जो पार्टी जीतेगी, उसको विजय घोषित कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो नोटा पे वोट करना बेकार है, सिर्फ खर्चे हैं जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाद में हमसे ही लेंगी। तो सिवाय खर्चों की और सिवाय आपके इनवैलिड वोट के, नोटा की कोई वैल्यू अभी तक नहीं है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल नोटा पे वोट करना बेकार है। ये थी नोटा की बारे में जानकारी। अगर आपको इसके बाद भी कुछ इसमें क्वेश्चन पूछने हैं या कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।